क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा, मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है, और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं, हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर, ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है।